बारे में ना बताओ, भले इसके डायरेक्टर्स के बारे में ना बताओ, भले इसके बारे में पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ना बताओ, लेकिन आप इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपने कभी ना कभी इनको न्यूज में देखा, आपने कभी ना कभी न्यूज पेपर में देखा, आपने कभी ना कभी गूगल बाबा में देखा, आपने कभी ना कभी इसके शेयर्स खरीदे, आपने कुछ भी किसी भी तरह से रिलेशनशिप रहा, तो बेटे ये कंपनीज को मैं कहूंगा ये ब्लू चिप कंपनीज हैं, बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। क्या लगता है, क्या लगता है एयरटेल, मैं एयरटेल का नाम पहले लिखा तो चलो एयरटेल ले लेता हूँ, क्या लगता है बेटे एयरटेल, भारतीय एयरटेल, ये जो कंपनी है सुशील मित्तल, मित्तल साहब, क्या आज ये इतनी प्रॉफिटेबल है, इतने रुपए में इसका शेयर चल रहा है, इतनी जगह ऑफिस हैं, इतने नेटवर्क हैं, इतने कस्टमर्स हैं, इतनी ब्रांड वैल्यू है, इतना सब कुछ है। बेटे ये पहले नहीं था, धीरे 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 बेटे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको सीएस करते 3-4 साल लग जाते हैं बेटे। भारतीय एयरटेल की अगर आप केस स्टडी देखें, हिस्ट्री देखें और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, तो आज जो एक बड़ा राक्षस सा आपको भारतीय एयरटेल का जायंट रूप दिख रहा है, ये पहले नहीं था। धीरे धीरे इसने डेवलप किया, धीरे धीरे इसकी ब्रांचेस बनी, धीरे धीरे इसकी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग बढ़ी। क्या लगता है बेटे, क्या ये सुशील मित्तल या खुद मित्तल साहब की मेहनत से हुआ, या इस कंपनी को ऊपर और बड़ा करने के लिए क्या कस्टमर्स का कोई भागीदारी थी, क्या इस कंपनी के जो इंप्लॉइज थे उनका भी क्या कोई स्टेक था, क्या कोई भागीदारी थी, क्या कोई पार्टिसिपेशन थी इस कंपनी को बड़ा करने के लिए, क्या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस कंपनी को सहारा दिया था या नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीफ दी थी या नहीं। आप ये बताइए, क्या इस कंपनी की को बड़ा करने के लिए सोसाइटी की जरूरत पड़ी थी या नहीं, सप्लायर्स ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था या नहीं, शेयर होल्डर्स ने फंड्स दिए थे या नहीं, कस्टमर्स ने इसके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट किया था या नहीं, सोसाइटी ने इसकी ब्रांड वैल्यू बिल्टअप की थी या नहीं, की थी तभी आज ये कंपनी भारतीय एयरटेल इस बड़े विकराल रूप में दिखाई दे रही है। एक शेयर पता नहीं कितने हजारों रुपए का बिक रहा है, ईपीएस कितने जबरदस्त जा रही है। बेटे इसमें खाली भारती के प्रमोटर्स का या उनके डायरेक्टर्स का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेहनत नहीं है, जब तक बाकी लोगों का योगदान नहीं मिलता, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, तो बेटे शायद ये कंपनी पनप ही ना पाती। तो मैं आज के लेक्चर में आपसे ये कहने जा रहा हूं कि क्या भारतीय एयरटेल की क्या कोई जिम्मेदारी, क्या कोई जवाबदेही, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन जाने अनजाने स्टेक होल्डर्स के लिए है या नहीं। आज का चैप्टर इन्हीं बातों में है कि क्या स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, प्राइमरी के नाम क्या है, सेकेंडरी के नाम क्या है। बेटे इन्हीं 8 में से कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है। क्या इन स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या इनको एंगेज करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। बेटे इस स्टेक होल्डर्स को एंगेजमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होने चाहिए, क्या स्टेप्स हैं, बट इन सब का खुलासा करेंगे हम आने वाले 4-5 लेक्चर्स में। तो मैं भूपेश आनंद आप ही का प्यारा आपको ये कहने जा रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं उसका नाम है स्टेक होल्डर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टेक होल्डर्स का मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स का मतलब है ऐसे कौन से लोग हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली माइंड से पैसे से मेरी कंपनी के साथ स्टेक रखते हैं, क्योंकि मेरी एक डिसीजन, भारतीय एयरटेल की एक डिसीजन बेटे इनके स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट कर सकती है। तो बेटे मुझे आज इनकी बातों को समझना, मैं ये बताऊंगा कि
कितनी कन्वेंशन हुई, कितनी ट्रीटिंग हुई, कितनी थ्योरीज हुई, कितनी कॉक्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बनी, कितने क्लासेस में प्रिंसिपल निकाल दिए, और स्टेक होल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या फोरम्स बन गए, और लेटेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स को लेकर कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या आ गया, LODR में क्या क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू स्टेक होल्डर्स। तो बेटे मैं चैप्टर वन, चैप्टर एट, लेक्चर वन, देखो मैंने बोला ना चैप्टर वन कुछ बच्चे हंसने लगे, उनको थप्पड़ मारो खींच के, तो चैप्टर एट लेक्चर वन में हूं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से एक डायग्राम को बनाएं जो मैंने आपके सामने बेटे प्रिपेयर किया, बड़ा ही मेहनत से बनाया। पॉइंट नंबर टू लिखेंगे मेरे बेटे, पॉइंट नंबर टू मैंने वही एग्जांपल लिखा है कि कंपनी सेक्रेटरी रामलाल जो बन गया सीएस, जो सीएस बन गया, क्या वो खाली अपनी मेहनत की वजह से बना या बाकी बड़े सारे फैक्टर्स भी अफेक्टेड थे, रिलेटेड थे उसको सीएस बनाने के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा बेटे, मैं एक चीज बता दूं, आज आप जो बने हो खाली मेहनत तो ठीक है रंग लाती है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। जरा लिखे तो सही, अभी तो मैंने चार ही लिखे, जगह नहीं थी। मैंने लिखा जी हार्ड वर्क, आपका अपना हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट, बाकी फैमिली मेंबर्स की हेल्प, ब्रदर की, सिस्टर की, उनको, उन्होंने आपको पेन दिया, उन्होंने आपको कैलकुलेटर टाइम पे दिया, उन्होंने आपको रूम में बैठ के पढ़ने दिया, उन्होंने अपने लिए समोसा खरीदा तो तुम्हारे लिए भी समोसा लेकर आ गए। बेटे बेटे ये प्यार है, ये आपको दिखेगा नहीं, आप कभी भी ईगो में मत आना कि मैं सीएस बन गया। बेटे इनकी मदद से नहीं बन सकते थे बेटे, सोसाइटी, बेटे गार्डन, बेटे पार्क, बेटे हवा, बेटे ऑक्सीजन, बेटे आपको अगर सांस ना मिलता, आपको रात ना मिलती, आपको दिन ना मिलता, आपको एनर्जी दोबारा से रीजेनोवेट ना होती, तो क्या आप सीएस कर पाते? इसका मतलब सेकंड पॉइंट में मैं इनडायरेक्टली आपको ये कहने जा रहा हूं कि आपके हार्ड वर्क के अलावा और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सक्सेस में जोर डालते हैं। तो पॉइंट नंबर थ्री बेटे कंपनी, ये देखो ये मैंने कंपनी बनाई है, धुएं निकल रहे हैं इसके, ये कंपनी है झोपड़ी, झोपड़ी कंपनी है, झोपड़ी कंपनी है, ये झोपड़ी का ड्रामा कर रहा हूं मैं, ये डिजाइन कर रहा हूं मैं, ये कंपनी के अलग 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 स्टेक होल्डर्स हैं बेटे, ए बेटे, बी बेटे, सी बेटे, डी बेटे, ई, वैसे आठ है। जगह नहीं थी, मैंने एक लॉजिक समझाना था, एक एफर्ट समझाना था, मैंने ये कहना था कि एक कंपनी बिना ग्रुप एफर्ट के कभी भी आगे नहीं जा सकती, ग्रुप एफर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट है। तो बेटे मैंने लिखा कंपनी को ग्रुप एफर्ट की जरूरत है, कंपनी को ग्रुप एफर्ट की जरूरत है, और इस ग्रुप एफर्ट के लिए बेटे इन सब की जरूरत है। शेयर होल्डर्स अगर पैसे ना देते, कस्टमर्स आपके लिए रेवेन्यू जनरेट ना करते, इंप्लॉयज अपनी एक्सपर्टीज ना देते, सप्लायर्स रॉ मटेरियल ना देते, और सोसाइटी अगर आपकी इमेज को बिल्टअप ना करती, तो आज आप जैसे दिख रहे हैं, रेनगैक्सी जैसे दिख रही है, अपोलो टायर जैसे दिखती है, अंबुजा सीमेंट जो दिखती है, फेविकोल पीडिलाइट जो दिखती है, वैसी ना दिखती। इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, प्लीज प्रिपेयर अ डायग्राम। बेटे मैंने इमेजेस में बहुत ध्यान दिया, बुक में देख ही लिए 13-14 इमेजेस दिए, और अलग से भी इमेजेस बनाता रहता हूँ। आप एक अलग से रजिस्टर बनाइए, उसका नाम लिखिए इमेजेस ऑफ एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। यकीन मानिए उस रजिस्टर में खाली इमेजेस डालिए, चैप्टर वाइज इमेजेस बनाइए जो मैंने बुक में दिए या जो मैंने लेक्चर्स में दिए। बेटे आपको जीत की बात बता रहा हूं, पेपर में जाने से पहले आप इस रजिस्टर को बस पन्ने पलट पलट के एक बार नजर मारनी है कि कौन कौन से डायग्राम्स कहां कहां पर हैं। यकीन मानिएगा
आपके 70 क्या 80 प्लस आएंगे अगर आपने डायग्राम्स इमेजेस और फ्लो चार्ट्स एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी में बना दी। कोई नहीं बनाता, किसी को अंदर की बात पता भी नहीं है। ये मैं हूं क्योंकि आप मेरे, इसलिए मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख देता हूं। तो बेटे आज की लेक्चर में मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी, चित्रों 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 वाला रजिस्टर बनाए एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आइए आइए हम थर्ड पॉइंट के बाद आगे चल रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा जी दो तरह के होते हैं, जैसे आप खाना खाते, रोटी रोज खाते, सब्जी खाते, पिज्जा तो कभी कभी खाते, बर्गर तो कभी कभी खाते। एक बच्चा कहता है जी पिज्जा ज्यादा मैं खाता हूँ। हाँ बेटा तू खा पिज्जा ज्यादा, बर्गर खा, तेरी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी और तू सीएस भी दो तीन अटेम्प्ट के बाद बनेगा, तथास्तु, ऐसे ही हुआ भगवान करे। हरी सब्जियां खाइए बेटे, माता पिता हरी सब्जियां आपके लिए बनाते हैं। बेटे आप जितना नेचुरल फूड खाएंगे उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी और उतनी लाइफ में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, एक तो प्राइमरी जो नहीं है तो हम मर गए, जिनके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम फंक्शनिंग नहीं कर सकते, जैसे इंप्लॉइज, जैसे कस्टमर्स, आप बता दीजिए, जैसे सप्लायर्स। अगर इंप्लॉइज मना कर रहे हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं इंफोसिस, बेटे जो इंप्लॉइज के बेसिस पे चल रही है, अपोलो टायर्स जो रबड़ रॉ मटेरियल है, सप्लायर्स केरला से कहते हैं कि हम रॉ मटेरियल का रबड़ देते नहीं आपको, इंप्लॉइज इंफोसिस के कहते कि हम छोड़ के जा रहे हैं विप्रो में। बेटे ईशॉप लाने वाली पहली कंपनी इंफोसिस, क्योंकि इंप्लॉइज छोड़ के चले जाते थे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनको बोलते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, इनके साथ हमारा जीना मरना है, ये जिए तो हम जिए, ये मरे तो हम मर गए। और दूसरे होते हैं बेटे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, तो लिख लें मेरे बेटे बच्चे। अब मैंने क्या किया, बचपन में जैसे आप डिफरेंसेस लिखते थे ना तो पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते थे, बेटे एक तरफ प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, एक तरफ सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। तो आप पहले प्राइमरी इस तरफ लिखें, सेकेंडरी इस तरफ लिखें, बहुत इजी है बेटे, बहुत इजी है। जैसे प्राइमरी में देखिए क्या लिखा है, दो स्टेक होल्डर्स हूज कॉन्टिन्यूड एसोसिएशन, कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड, बेटे बेटे जैसे सांस हर समय लेना होता है, जिस एक समय सांस रुक गया आप ही रुक जाओगे। दो स्टेक होल्डर्स हूज कॉन्टिन्यूड एसोसिएशन विद द कंपनी इज असेंशियल फॉर कंपनीज सर्वाइवल आर नेम्ड एज प्राइमरी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स जिनकी हमें जरूरत होती है, पिज्जा बर्गर पास्ता खा लीजिए कभी कभार, नहीं भी खाएंगे तो मरने वाले नहीं है, हाँ लेकिन रोटी चावल सब्जी नहीं खाएंगे तीन चार दिन तक तो बेटे मर जाएंगे, आंखें अंदर चली जाएंगी, काल तो वैसे ही पिछले हुए आपके, पीले रंग पड़ा हुआ और पिछक जाएंगे। तो लिखिए जी सेकेंडरी, दो स्टेक होल्डर्स हूज एसोसिएशन ऑन अ कॉन्टिन्यूड बेसिस, कॉन्टिन्यूड बेसिस इज अनइम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज रिवाइवल। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइमरी के ये और ये सेकेंडरी के, सभी बच्चे लिखेंगे टेबल फॉर्म में लिखेंगे, आदि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप प्राइमरी स्टेक होल्डर्स लिखेंगे, राइट हैंड साइड में आप सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स लिखेंगे। तो प्राइमरी तीन लिखे मैंने, कंज्यूमर्स इंप्लॉइज सप्लायर्स, सेकेंडरी भी तीन लिखे, मीडिया कम्युनिटी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया कम्युनिटी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। तो बेटे मैंने आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ ना बताते हुए एक आइडिया दिया कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है। बेटे मैंने कहा कि पांच लेक्चर्स लूंगा, पांच से छह, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए कि हर लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं। जैसे आज का लेक्चर वन है तो मैंने आज कुछ बताया, थोड़ी मीनिंग बताया, इंट्रो बताई और एक इस चैप्टर का ब्रीफ आउटलाइन बताया कि मैं कॉक्स राउंड टेबल के प्रिंसिपल बताऊंगा,
क्लार्कसन के प्रिंसिपल्स बताऊंगा, मैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बातें करूंगा, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, स्टेक होल्डर्स को लेकर उसकी बातें करूंगा, थ्योरीज की बातें करूंगा। तो लेक्चर टू में स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट का प्रोसेस बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, ठीक है जी। फिर लेक्चर थ्री में स्टेक होल्डर्स की थ्योरीज बताऊंगा, दो व्यक्तियों की, आर एडवर्ड फ्रीमैन एंड मिल्टन फ्रीडमैन। लिख ले बेटे, लिख ले, ये मैंने इसलिए बनाया कि एक आपको आइडिया रहेगा कि आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और बेसिक भूमिका क्या रहेगी, बेसिक फ्रेमवर्क क्या रहेगा। लेक्चर फोर, स्टेक होल्डर्स गाइडलाइंस, किस किस ने प्रिंसिपल्स में क्या क्या गाइडलाइंस बनाई, क्या कन्वेंशन हुई, क्या कमेटीज हुई, क्या थ्योरीज बनी, क्या प्रिंसिपल्स बने। तो बेटे दो व्यक्तियों के कॉक्स राउंड टेबल और क्लार्कसन के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। और लेक्चर फाइव में बेटे मैं रीसेंट डेवलपमेंट्स बताऊंगा स्टेक होल्डर्स की। आइए जी बुक में चलते हैं, बेटे बुक में मैं देख लेते हैं कि क्या लिखा है मैंने। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटे, पहले क्वेश्चन में लिखा है What is stakeholders concept? Brief about its recognition in India. कि इंडिया में क्या ये concept recognize है या नहीं, और क्या stakeholder का मतलब होता है? What do you understand by stakeholders concept? Whether this concept is being recognized in law? Discuss stakeholders stating the principles associated or invoked by Freeman. वो अभी हम नहीं बताएंगे, कोई नहीं। पहले क्वेश्चन में निकाल लीजिए हाइलाइटर, बाहर निकाल लीजिए भाई साहब, हाइलाइटर बाहर निकाल लीजिए। आर दोस हु पार्टिसिपेट इन द सेम वे ऑल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज स्टेक, बेटे हाइलाइटर्स आइलैंड कहते हैं, जिनका स्टेक है उनको हम कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक दिस इज वैल्यू बट द फोकस इन सेटिस्फाइंग ऑल, भले आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है मान लिया, लेकिन यार सबके भले में आपका भला है, आपके भले में सबका भला नहीं है, सुनना जरा ध्यान से। सब ग्रो करेंगे, खाली दिल्ली ग्रो कर जाए, मेट्रो मेट्रो में अच्छे कपड़े पहन ले, सब मोबाइल फोन रख ले, सब बढ़िया हो, एवरीथिंग इज हाई फाई, आप परफ्यूम लगाए तो क्या लगता है पूरी इंडिया ग्रो कर सकती है? नहीं। जब तक मेरे देश के गांव, मेरे देश की तहसीलें, मेरे देश की सारी स्टेट्स ग्रो नहीं करेंगी, डेवलप नहीं करेंगी, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगी, बेटे मेरी इंडिया डेवलप नहीं हो सकती। तो इंडिया के डेवलप होने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्री कंडीशंस हैं बेटे, आप समझ रहे मेरी बात को? तो आइए स्टेक होल्डर्स का मतलब हम समझ रहे हैं। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स कैन बी कैटेगराइज इन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेटे मैंने बड़े प्यारे चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पीपीटीज बनाई है बेटे, मैं ये तभी तो कह रहा हूँ कि आप एक रजिस्टर बनाइए चित्रों वाला और उसमें सब कुछ लिखिए बेटे, सब कुछ सारी इमेजेस चैप्टर वाइज ड्रॉ कीजिए, जो मैं क्लास में बना रहा हूँ, जो ऑलरेडी बुक में पड़ी हुई है बेटे, हर चैप्टर में 20-25 इमेजेस आ जाएंगी। और बेटे पूरे पेपर में 4-5 इमेजेस भी लिख दी ना, सोने पे सुहागा, सुने कभी सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, इंटरनल एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स तो भी डिस्कस करेंगे बेटे। मैं अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ना आपको लेके चल रहा हूं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, बेटे सेकंड और थर्ड भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी कौन होता है, सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं है बेटे, स्टेक होल्डर्स है, ठीक है जी, मैं इसको ठीक करा दूंगा। स्टेक होल्डर्स है बेटे, स्टेक होल्डर्स है, दीज आर नॉट शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कौन होते हैं, सेकेंडरी कौन होते हैं, ये सब मैंने बता दिया। जैसे मैं कहूँ प्राइमरी कौन होते हैं, इंप्लॉइज आर प्राइमरी, बट मीडिया, मीडिया गवर्नमेंट बेटे ये सेकेंडरी है, मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, मीडिया कॉम्पिटिटर्स सिविक इंस्टीट्यूशन, इनसे भी तालमेल बिठाकर रखना चाहिए, बट अगर तालमेल नहीं बैठा और टूट भी गया तो हम मरने वाले नहीं है, हमारी फंक्शनिंग नहीं रुकेगी। इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आप खाना खाते हैं तो चटनी खाएं या ना खाएं, हरी या लाल,
इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ है तो अच्छा है, थोड़ा स्वाद ही आएगा हरी चटनी से, पुदीने वाली चटनी जिसमें धनिया पुदीना आम का कच्चा आम, जिसमें अनारदाना, जिसमें मिर्च, जिसमें मसाले, जिसमें हरी मिर्च, जिसमें नमक, अच्छा है, अच्छा है, रोटी का मजा आएगा। लेकिन नहीं भी होगी तो हर बार थोड़ी चटनी होती है आप खाते हो। तो बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं, सब्जी प्राइमरी है, चटनी सेकेंडरी है। तो प्राइमरी सेकेंडरी की बातें आज हमने की, लेक्चर वन यहीं पे कंप्लीट होने जा रहा है। लेक्चर टू में मैं आपको स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट की बातें करूंगा। तो आज की क्लास में मैंने दो क्वेश्चंस बुक से कवर किए, एक तो पहला और एक ये फोर्थ। नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड थर्ड जो क्वेश्चंस नहीं किए सब करूंगा। हाइलाइटर आप बिल्कुल हाईलाइट करते रहे इन्हीं बातों के साथ। मैं भूपेश आनंद फिल्म